नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम की CNA करंट न्यूज एनालिसिस, इसके अंतर्गत हम दिन की महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ साथ उससे जुड़े और तथ्य को भी शामिल करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इसी क्रम में जो न्यूज है, कोरोना वायरस और कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है और जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में जो अप्रिहेंशन या संदेह जाहिर किया जा रहा है उसके पुख्ता सबूत हमारे किन किन क्षेत्रों से मिले हैं और कौन कौन से क्षेत्र में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है और इस टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें, इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। जो कि न्यूज है, कोरोना वायरस और सिचुएशन इन इंडिया रियली बेड, कम्युनिटी ट्रांसमिशन टेकिंग प्लेस सेज IMA। IMA के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से भारत में जो स्थिति है वास्तव में बहुत खराब हो चुकी है और सामुदायिक संचरण के बारे में आशंका जाहिर की जा रही है, ये IMA के वक्तव्य है। जैसे कि IMA के अनुसार अगर बात करते हैं तो जो संडे की कंडीशन थी उसमें कोरोना वायरस केस जो इंडिया में वो 10 लाख से ऊपर यानी 10,77,618 हो चुके थे और वहीं पर रिकॉर्ड नए केस सामने आए थे जो कि 38,902 न्यू इन्फेक्शन सामने आए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला है कि कोरोना वायरस सिचुएशन इज रियली बैड इन इंडिया। इनफैक्ट जो ट्रांसमिशन है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो रूरल एरिया में ट्रांसफर हो चुका है। तथ्य है कि संक्रमण अब ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है, सामुदायिक संचरण की ओर इशारा करता है। जो कि अगर हम IMA हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन की बात माने जिन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया कि इंडिया इज सीइंग एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस एंड बिकॉज ऑफ एवरीडे वी आर गेटिंग अ न्यू इन्फेक्शन विच इज मच मोर देन 30,000। IMA ने घातीय वृद्धि को देखने के मिल रही एक आशंका को व्यक्त किया क्योंकि हर दिन लगभग 30,000 से ना ज्यादा संक्रमण जो है ना हमारे सामने अपेयर हो रहे हैं, हमें उनकी सूचना मिल रही है। देयर आर सो मैनी फैक्टर कनेक्टेड विद इट बट ओवरऑल इट इज नॉट स्प्रेडिंग इन रूरल एरिया। बेसिकली IMA हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन के अनुसार जो भी कारक हों वो बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना वायरस का स्प्रेड धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, घातीय वृद्धि, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ रेट विच इज मच मोर रैपिड इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोइंग टोटल नंबर ऑफ साइज, विकास जिसकी दर बढ़ती हुई कुल संख्या आकार के अनुपात में काफी अधिक तेजी से हो रही है, उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट बोलते हैं। इसको हम ग्राफ से इसमें जान सकते हैं, जैसे कि अगर पॉपुलेशन साइज है जैसे हमारा वो कितना इन्फेक्ट हो रहा है, तो अगर हम टाइम के साथ में उसको देखते हैं तो जहां पर अगर बात करते हैं कि जैसे जैसे टाइम बहुत धीमे धीमे बीत रहा है लेकिन जो पॉपुलेशन साइज इन्फेक्ट हो रही है वो बेसिकली बहुत ज्यादा तेजी से इन्फेक्शन पॉपुलेशन साइज में हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो इसको जो है ना एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के टर्म में बोला जाता है। मतलब ग्रोथ हुज रेट बिकम मोर रैपिड इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोइंग टोटल नंबर ऑफ साइज, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जो है IMA हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने ये भी वार्न किया है कि इट इज ए डिफिकल्ट सिचुएशन एक्चुअली। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार के लिए कस्बों और गांव में कोरोना वायरस को नियंत्रण करना अधिक कठिन होगा और ये जो कंडीशन है इसमें अगर स्टेट और सेंटर साथ में नहीं आते हैं तो जो स्थिति है वो ज्यादा वर्सनिंग होगी। और उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि जो स्टेट है और जो सेंटर है उनको समन्वय के साथ एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इस डिफिकल्ट सिचुएशन में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। वहीं अगर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं तो उन्होंने डिनाई किया है कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई बार भारत में कोरोना वायरस के सामुदायिक संचरण से इनकार किया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं केरल चीफ मिनिस्टर पिनराई विजय ने, उन्होंने अभी हाल में एक न्यूज दिया है जिसके बारे में उनका कहना है कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो फैल चुका है सम पार्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के कुछ हिस्सों में कम्युनिटी संचरण शुरू हो चुका है, इट इज सेड बाय द पिनराई विजय हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। वहीं अगर IMA की बात माने तो उन्होंने बोला है कि हर्ड कम्युनिटी एंड वैक्सीन्स वर द ओनली वे टू डिजीज टू बी स्टॉप फ्रॉम स्प्रेडिंग। बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं और वैक्सीन की बात करते हैं, ये केवल एक तरीके हैं जिसकी वजह से इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। और उन्होंने ये भी बोला कि फेजेज ऑफ ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल होने चाहिए रादर देन एफिकेसी और साइड इफेक्ट के बारे में इस समय सोचने से ज़्यादा। हमारे पास जो
गोल होना चाहिए वो फेजेस ऑफ ट्रायल के और ह्यूमन ट्रायल के होने चाहिए, यानी परीक्षणों के या मानव परीक्षण के चरण होने चाहिए, ना कि प्रभावता और दुष्प्रभाव के। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि जो भी इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर अनेबल टू गो बियॉन्ड द 3 month इम्यूनिटी, ये देखने में सामने आया कि अधिकांश रोगी की जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होती है, और ये इसके बाद कब तक चलेगी इसके बारे में कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। तो इट इज सेट बाय द IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके चेयरमैन है, उनके बारे में हमने जाना, उनके बारे में क्या वक्तव्य है, उन्होंने क्या क्या न्यूज़ एजेंसी को बताया है। अगर हम प्रेजेंट कंडीशन में ट्रायल और वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कंडीशन में 2 वैक्सीन के लिए परीक्षण हो रहा है। एक कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है और फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस है, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं जायडस कैडिला की जाइकोवी, ये सेकेंड वैक्सीन है और इसमें ह्यूमन ट्रायल के अंतर्गत इसका काम शुरू हो गया और मानव परीक्षण के प्रवेश चरण में ये ट्रायल है वो शुरू हो चुका है। तो ये 2 ही वैक्सीन है, इनके बारे में आप रिकॉल रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक कोवैक्सीन भारत बायोटेक की और वहीं जायडस कैडिला की जाइकोवी। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, बेसिकली सामुदायिक संचरण का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन सिंपली मीन्स दैट एपिडेमिक हैज बिकम अ वाइड स्प्रेड इन अ कम्युनिटी दैट इट गेट्स डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन हु इज पासिंग ऑन द इन्फेक्शन टू हुम। यानी सामुदायिक संचरण का मतलब यह होता है कि कोई महामारी एक कम्युनिटी या समुदाय में इतना व्यापक हो गया है कि ये जानना ये मुश्किल होता हो जाता है और ये बेसिकली असंभव हो जाता है कि जो ट्रांसमिशन या महामारी का जो प्रसार हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है और किस पर हो रहा है, तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हमें ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किसके द्वारा हो जाता है तो हमारे पास कई तरह के हैं, जैसे कि उसको क्वारंटाइन कर सकते हैं, उसके लिए जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन जब हमारे पास एक सामने क्वेश्चन आता है कि बेसिकली ये किसके द्वारा फैल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करना। इसी को ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है, यानी सामुदायिक संचरण के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रेजेंट कंडीशन में इंडिया में संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि कम्युनिटी बेसिकली जो एपिडेमिक का जो स्प्रेड हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। द सोर्स ऑफ चेन और इन्फेक्शन कैन नोवर बी एस्टेब्लिश, इस कंडीशन में जो स्रोत और संक्रमण की श्रृंखला है वो कहाँ से स्टार्ट होती है इसके बारे में आप नहीं पता लिया जा सकता कम्युनिटी ट्रांसमिशन जब स्टार्ट हो जाता है। डिटरमाइनिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज की टू द कंटेनमेंट स्टडी, जैसा अभी डिस्कस किया, अगर हम चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पता लगा लेते हैं कि जिसकी वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल रहा है या एपिडेमिक फैल रही है, तो हम उसको क्वारंटाइन में या सेपरेट किसी कंडीशन में उसको रख सकते हैं, जिसकी वजह से ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसको ब्रेक किया जा सकता है। और जो ब्रेक करने के कई तरीके से, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात कर लेते हैं या आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, आइसोलेशन, दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सोल्यूशन बिकॉज ऑफ विच वी कैन बेसिकली प्रिवेंट दिस स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक एंड वी कैन ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। इस तरीके से हम इस श्रृंखला को समाप्त कर सकते हैं और एक महामारी के फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन जो कंडीशन हमारे इंडिया में वो ऊपर जा चुकी है, अब हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि किसकी वजह से ये स्प्रेड हो रहा है और किस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस तरीके से दोस्तों आज के ब्रीफ डिस्कशन में हमने जाना कि कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में जो भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनका क्या कहना है और कौन कौन सी कंपनी है जो इस फील्ड में ह्यूमन टेस्टिंग के स्तर पर आ चुकी हैं और ह्यूमन टेस्टिंग या ह्यूमन ट्रायल उन पर चालू हो चुका है। जैसे कोवैक्सीन की बात करते हैं जो कि भारत बायोटेक की है, और वहीं जाइकोवी जो जायडस कैडिला की वैक्सीन है। और हमने थोड़ा प्रकाश ये भी डाला कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो आज की लेक्चर आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।